नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डेली न्यूज अड्डा पर। और दोस्तों हम एक बार फिर से हाजिर हैं आपके सामने IPL 2020 की एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ में, जहां पर दोस्तों IPL 2020 के लिए इनके कप्तान विराट कोहली ने एक इंटरव्यू दिया, जिसमें दोस्तों इन्होंने बड़ा बयान दिया है, अपने फैंस को एक मैसेज दिया है। तो जितने भी RCB फैंस वीडियो देख रहे हैं, वो फटाफट से वीडियो को एक लाइक ठोको और कमेंट बॉक्स में #BoldArmy स्पैम करो। तो दोस्तों सितंबर 7 की शाम को विराट कोहली का एक इंटरव्यू होता है, जो कि उनकी ही फ्रेंचाइजी लेती है, जिसमें विराट कोहली कहते हैं कि IPL 2020 इस बार टीम हर टीम के एक एक सिंगल खिलाड़ी के लिए काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि यहां पर क्राउड भी नहीं होगा और होम अवे मैचों का कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। तो किसी टीम को फ़ायदा नहीं होगा और किसी भी टीम को नुकसान भी नहीं होगा, क्योंकि जो टीम अपने घर में मजबूत थी, जैसे कि चेन्नई सुपर किंग्स, जिसका घर में विनिंग रिकॉर्ड काफ़ी शानदार है और 10 में से 9 मैच वो चेन्नई में जीतती थी, और इसके अलावा जिस टीम का घर में प्रदर्शन या घर में आंकड़े खराब हैं, जैसे कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, जो कि घर में मैच हारती थी और बाहर जाकर जीतती थी, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इस साल के IPL में देखने को नहीं मिलेगी। कोहली ने आगे कहा कि IPL 2020 में एक अजीब सी गुड फीलिंग आ रही है और सभी टीममेट्स का इसी चीज़ पर फोकस है कि टूर्नामेंट में अच्छा करना है, और सभी खिलाड़ी एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ट्रैवल बर्डन नहीं होगा, यहाँ पर केवल 3 ही ग्राउंड्स पर मैचेस होंगे, तो खिलाड़ियों की असली अग्नि परीक्षा इसी साल होगी। इसके आगे कोहली ने बहुत बड़ा बयान दिया अपने फैंस के लिए, और उन्होंने कहा कि हमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये साल हमारा सीज़न होने वाला है। मैंने और ABD ने कभी भी इस तरह की शांति और फोकसिंग कभी भी महसूस नहीं किया जैसा कि इस साल कर रहे हैं। ABD अपना गेम एंजॉय कर रहे हैं और वो हमेशा की तरह फिट हैं, और हमें पास्ट में क्या हुआ उस सब चीज़ों को भूलकर एक नए आगाज करने की ज़रूरत है। आपको बता दें कि RCB को अभी भी अपनी पहली ट्रॉफी का इंतज़ार है, जहां पर 2009, 2011 और 2016 ये 3 बार जो है वो टीम जो है वो फाइनल खेल चुकी है, लेकिन केवल रनर अप्स बनकर ही ये टीम रह गई है। कोहली ने कहा कि इस साल हमारी टीम काफ़ी बैलेंस लग रही है, और एरॉन फिंच और मॉरिस के आने से हमारी टीम को एक मजबूती मिली है, तो यहाँ पर हो सकता है कि विराट इन खिलाड़ियों को ज़्यादातर मैचों में मौका दें। वहीं पर दोस्तों इसके अलावा जॉश फिलिपी के बारे में भी कोहली ने बात की और कहा कि वो अभी भी ग्रो करना शुरू हुए हैं और आई एम श्योर वो अच्छा भी करेंगे, और जॉश फिलिपी काफ़ी एक्साइटिंग प्लेयर हैं। ये दोस्तों विराट कोहली ने बड़ा बयान दिया है फिलिपी के बारे में, और इसके आगे कोहली ने कहा कि 2016 का सीज़न हमारे लिए काफ़ी यादगार रहा था, उस साल कि जैसा ही मुझे इस साल भी फीलिंग आ रही है, उस साल की जैसा ही मैं इस साल भी महसूस कर रहा हूँ, फिर चाहे वो स्क्वाड को लेकर हो, प्लेयर्स को लेकर हो, या फिर अपनी माइंडसेट को लेकर हो, और अब ये हमारे ऊपर है कि हम प्लान्स को किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं। तो दोस्तों इस लंबे चौड़े इंटरव्यू में कोहली ने अपने फैंस को यही मैसेज दिया है कि पास्ट में जो हुआ सो हुआ, बट ये साल अपना होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या RCB इस साल जीत पाएगी, और अगर हाँ तो RCB की तरफ से सबसे ज़्यादा रन कौन बनाएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और हम फिर से हाजिर होंगे एक और इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग डेली न्यूज अड्डा। थैंक यू।